ऑडियंस की तारीफ करते रहते हैं कि मतलब कि ऑडियंस हंसती रहे, अच्छी रहे, मतलब ऑडियंस की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि आप मेरे मामा के ताऊ की चाची की बुआ तो हो नहीं कि मेरे जोक्स पे ऐसे ही हंस दोगे, तो ऑडियंस की तारीफ करनी चाहिए। और अभी मतलब मेरी एक गर्लफ्रेंड है तो उसके लिए मैं कपड़े वपड़े खुद ही खरीदता हूँ क्योंकि हम एक प्रॉपर इंडियन मॉम के लड़के हैं। मतलब क्योंकि जैसे मेरी मम्मी है तो कोई साढ़े, अगर आपकी शादी हो चुकी है ना कल, हाँ तो आप जान सकते हैं कि अगर 350 रुपये की चीज़ है पापा से 500 रुपये मांगेगी, और वो भी मेरे को ही पता है कि वो 350 रुपये की चीज़ है, पापा को भी पता है कि वो 350 रुपये की चीज़ है, लेकिन वो 500 दे देते हैं, उसमें भी वो 350 रुपये की चीज़ को 150 रुपये की खरीद लेती है, और 500 - 150 350, एक सामान फ्री हो जाता है। ये होती है इंडियनों, तो मैं लड़कियों को पैसे नहीं देता, उनके गिफ्ट्स खुद ही खरीदता हूँ जाके, क्योंकि पैसे दे दोगे भाई 350 की चीज़ होगी, 350 दोगे 50 रुपये वो नहीं बचाती, 300 बचाती, 50 की चीज़ लेके आती है, ऐसी होती है, तो इसीलिए पैसे देने का नहीं। तो हम एक दुकान में गए और वो दुकान ऐसी है कि अगर आप जैसे ही एंटर करोगे तो वो कभी खुशी कभी गम वाला सीन नहीं, ला 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 ला, तो जैसे जया बच्चन है वहाँ पे थाली लेके बैठती है वैसे वो दुकानदार देख रहा होता है कि हाँ ये छुट्टी आ गया, इसका काटना है, इसकी जेब ढीली करनी है। तो मैं वहाँ पे गया और मेरे नेक्स्ट में एक लड़की खरीदी, तो उसने 1976 से लेकर 2021 के जितने भी झाट कलर के कपड़े थे सब निकाल के रखे थे, और उस दुकानदार के चेहरे पे दिख रहा था कि 5 मिनट बाद इसकी आत्महत्या तय है, मतलब 10 बज रहा था और 10:05 में वो आत्महत्या कर लेता अगर 5 मिनट में कपड़े खरीदती नहीं, तो मैं देख रहा था। तो दुकानदार ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला और उसने वो यार उसको इटालियन मैक्सी टाइप की थी कुछ, मतलब लॉन्ग फ्रॉक थी, बोल नहीं पा रहे हैं, तो उसने चेस्ट रखा इटालियन फ्रॉक का, उसने ऐसे किया कि मैम आप इसमें कैटरीना कैफ लग रही हैं। अब पीछे कोई मुड़ के देखेगा नहीं, वो लड़का सलमान खान लग रहा है, विश्वास कर ही लिया क्योंकि मैं कनपुरियन हूँ भाई, आप विश्वास कर लोगे। अब देखो आप देखो देखो वो सलमान खान लग रहा है, नहीं लग रहा, मैंने भी सोचा था भाई कैटरीना कैफ लग रही है। देखो भाई ऐसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉयल हूँ, और लेकिन अब जो रिलेशनशिप में भी हैं, सिंगल भी हैं, अगर आपके नेक्स्ट में कैटरीना कैफ खड़ी होगी तो भाई कौन नहीं देखेगा, सब देखेंगे। तो हमने भी देखा भाई कि और आजकल मतलब सभी लोग इंस्टाग्राम एंड ऑल चला रहे हैं, तो उसमें एक लड़की आई थी, वो नहीं बोलती है कि गाइस आप लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि मैं कैटरीना कैफ की बहन लगती हूँ, भाई वो उसकी तरीके भी नहीं लग रही थी, लेकिन उसने वो कपड़ा खरीद लिया। तो जब वो गई तो दुकानदार मेरे से कहता इधर आओ, मैं गया भाई, मैंने कहा हाँ भाई, कहता हूँ, कहता देखा तुम अगर तारीफ कर दो कि लड़कियों की झूठी भी, उनको ही पता है कि वो नहीं लग रही हैं लेकिन फिर भी वो खरीद ली थी, तो बिल्कुल अच्छा, तो उन्होंने खरीद लिया कपड़ा। अब मैं किस किन लोगों ने अपने स्कूल्स में या कॉलेजेस में लौंडेबाजी करी है, किसने नहीं करी है, सभी ने करी है। हमने क्लास 8th में एक लड़की पसंद थी, वो मेरे को नहीं पसंद करती लेकिन हम करते थे, लेकिन बाद में एक मैंने उसके साथ रहा तो बातचीत चलती रही सब, तो मतलब उसने बोला कि वो उसने खुद ही बोला कि आए कहीं चलते हैं, तो यहीं हम किदवे नगर साइड रहते हैं, तो वहाँ के ब्लॉक में वहाँ एक डिप्सी डोज कैफ़े है, तो मैंने 8th क्लास में था मैं, तो मैंने उसको एक दिन पहले डिप्सी डोज वालों को कॉल करा कि भाई एक टेबल बुक करनी है, वहाँ पे दो ही टेबल थी, तो उसने जब मतलब आप जैसे ही डोर खोलोगे मेन डोर खोलोगे तो उसमें जो एक टेबल थी मैंने वो बुक करी थी, अगर आप डोर खोलोगे उसके सामने से कोई आए तो लड़की का चेहरा नहीं दिखे, पहले लड़के का चेहरा दिखे। तो भाई देखो अब हम कॉफ़ी वॉफी तो इतने पीते नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली के लड़के हैं, तो कॉफ़ी के मामले में सिर्फ दो ही चीज़ें पता थी, एक ब्रू एक नेस्कैफे। तो मैं गया तो उसने मेन्यू कार्ड रखा, पहली बात तो हम जैसे ही गए तो एक्साइटमेंट थी कि टेबल पहली बार बुक करिए, तो उसने बोला हाँ भाई, तो मैंने कही टेबल, कहता भाई जब ख़राब होगी तब बुलाएंगे, मैंने कहा हैं, मैंने कहा भाई नाम दे आकाश दीक्षित भाई, तो हम गए तो बैठे रहे, तो मेन्यू आया, तो मैंने कहा कि भाई कॉफ़ी कर दे, क्योंकि मैंने उससे पूछ लिया था कि तुम क्या लोगे, कहती कॉफ़ी लेंगे, मैंने कहा ठीक है जाते हैं, कॉफ़ी ली, तो उसने पहले तो नाम समझ में नहीं आए थे, अमेरिकनो फ्रैपेचिनो कैपेचिनो लाते, तो भाई अब हमको क्या समझ में आता, हमने कहा भैया नमस्ते इंडिया दूध से बनाना, और वो बना देना जो दिल होता है, दिल वो हमें चाहिए, तो कहता कि भाई कितना लाए, शकल देके पहचान गया यार, तो कहता भाई 250, हमने कहा 250 रुपये हैं, कहता अच्छा तुम
200 रुपये, मतलब 20 रुपये और खर्चा करो तुम्हारी 2 कैपेचिनो करने। मैंने कहा ठीक है भाई डन। तो हम उस लड़की का नाम स्नेहा था, वो भी मेरी जितनी लंबी थी, तो हम लोग बात करने लगे, अच्छी खासी बात हुई। अब देखो, इंडियन, कनपुरियन, बाबूपुरवेन, तो चाय करके पीने की आदत हो ही जाती है। वो बात मेरी नहीं थी, उसकी थी, स्नेहा की। तो हमने चलो एक सिप हुआ, मैंने सोचा कि ऐसे ही होता होगा, 2 सिप हुआ, 3 सिप हुआ। अब वो कब इतना ही बड़ा है भैया, 1 मिनट, ये कब इतना ही बड़ा था? अब इसको नॉर्मल इंसान कितनी देर में ख़त्म करेगा? 5 मिनट से, मतलब 7-8-10 मिनट ले लेंगे, हो गया, 10 मिनट तक लगेगा। उसने 6 सिप में पूरी कॉफ़ी ख़त्म कर दी। हमने सोचा रोमांटिक हो रही है। वो नहीं होता है कि मतलब आप जैसे लड़की का वो कोई भी ले तो लिपस्टिक लग जाती है, आप लोग जानते होंगे, तो हम लोग लिपस्टिक की तरफ देखते हैं। तो मैं तो लिपस्टिक लगाता नहीं हूँ, तो उसमें मैंने सिर्फ पिया है, तो उसमें लिपस्टिक, मतलब तो मैंने अपना कप उसकी तरफ टर्न कर दिया कि मेरी लिप से तुम पी लो। तो उसने कॉफ़ी तो ले ली, लेकिन उसने कप फिर से मेरी तरफ टर्न कर दिया और मेरे लिप्स मेरे को कहीं कह रहे थे भोपड़ी का कट गया। लेकिन उसने वो पी, 3 सिप में मेरी भी कॉफ़ी ख़त्म कर दी। मैंने कहा चलो, फिर बातचीत होती रही होती रही होती रही, 10 मिनट बीत गया, 15 मिनट में अब रोमांटिक सीन बन गए, कोई था नहीं, तो सब अंधेरा, मतलब अंधेरा नहीं था, लेकिन हाँ पूरी कोशिश थी कि हो ही जाएगा। इतनी दूर थे, मतलब इतनी दूर थे, अगर 20 से चीटी भी गुजरे ना, वो भी देख के कह रहे दोनों की शक्ल कितनी हफ्सी वाली लग रही है। लेकिन भाई फिर उधर से एक ऐसे अधेड़ उम्र का मतलब इंसान था, चल के आया मेरी तरफ। तो भाई अब लड़की के सामने, जब जानते हैं कि लड़की की, मतलब लड़की के सामने बेइज्जती हो तो लड़का ऐठन में आ ही जाता है, हम तो आ जाते हैं। तो जैसे ही आई तो स्नेहा ने अपना चेहरा छुपाया, हमने सोचा क्या है, तो हमने खड़े हुए, मैंने कहा हाँ कौन हो? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा तुम कौन हो, ये है वो है, उन्होंने मेरे परदादा और पापा पे सवाल कर दिया, तुम होते कौन हो? हम भी 3-4 मिनट तक डिलेमा में पूछ रहे कि मैं कौन हूँ यार, मैंने इनसे क्यों पूछा कि तुम कौन हो? तो मैंने कहा अंकल अब बताइए आप कौन हो? तो उन्होंने कह दिया सीधे जाओ तुम यहाँ से। हम क्यों जाएं? हमने कहा आपका कैफे है? कहते नहीं। हमने कहा ये आपकी टेबल है? कहते नहीं। हमने कहा कॉफ़ी मशीन आपकी? कहते नहीं। हमने कहा ये जो टेबल ये सब जगह आगे आपकी है क्या? कहते नहीं। हमने कहा ये आपका है क्या? कहते बेटी मेरी है। यहाँ तो फंस गया। मैंने कहा बेटी मेरी। हमने फिर हम चौंक गए कि मतलब पापा ऐसे, मतलब पापा क्यों हो गए? और वो लड़की ऐसी थी, वो नहीं होती है, वो कौन है जिसने पू को मुड़ के देखा नहीं, वही वाली लड़की थी वो। तो वो बैठी रही, तो हमने कहा अंकल ये तो कह रही थी कि इसके मम्मी पापा हैं नहीं। तो कहती कहाँ मम्मी, इसके हम तो पापा हैं, तुम्हारे सामने बैठे हैं। लेकिन उस लड़की ने बोला ही था, मैंने तुमसे पूछा था तुम कितनी सिंगल हो, तो उसने बोला था मैं सिंगल हूँ। अब सिंगल का मतलब क्या, घर में सिंगल हो तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, 8 में क्या समझ में आता? तो मैंने समझ लिया ये सिंगल है, उसके मम्मी पापा नहीं है। तो वो लेके, हम जितनी देर में बात कर रहे थे, हमने सोचा स्नेहा सपोर्ट करेगी, कहेगी दोस्त है दोस्त है। 5 मिनट तक मैं अंकल से बहस करता रहा, देखा स्नेहा वहाँ से चली गई। मैंने कहा ये तो मैटर हो जाएगा फिर। तो हमने भैया अंकल से सॉरी और ही नहीं बोलते यार, कनपुर के लौटे सॉरी नहीं बोलते, कनपुर के अंकल सीधे पैर पड़े थे। हमने कहा था अंकल अगली बार से इस लड़की को समझा देना कि मेरे पास ना दिखे। चलते गए अंकल, जैसे ही वो स्नेहा जाने लगी तो हमने सोचा कि पू अब मुड़ के देखेगी, लेकिन पू ने पूरे रास्ते मुड़ के नहीं देखा। वो बात चली गई। अभी रिसेंटली, अभी मतलब इंडियन पेरेंट्स देखो किस किस को लगता है उसके पापा जो होते हैं लाइफ में, जो इंडियन डैड्स हैं सबसे खतरनाक होते हैं, सभी को लगता है खतरनाक तब तक जब तक माँ को गुस्सा ना आए, उसके बाद कोई खतरनाक नहीं होता। अभी हम दिवाली थी, हम अपने बाहर झालरी लगा रहे थे, तो एक कपल चल के आ रहा था, कपल नहीं मतलब अच्छे खासे 30-32 साल के थे, तो उनका एक छोटा सा लड़का था। तो वो लड़का क्या, अब उस लड़के की ड्रेसिंग सेंस थी तूतिया कलर की टी शर्ट, ऑरेंज कलर की पैंट्स, रेड कलर के शूज़, और इतना ज़्यादा स्वैग में था कि मेरे को शर्म आ गई कि मैं 18 साल तक क्या कर रहा था भाई, इतना कैसे स्वैग। तो वो आया, चलता रहा, एक बार गिरा, दो बार गिरा, मतलब छोटा था तो चल नहीं पा रहा था वो एक, अरे वाह हमारे लिए नहीं भाई, अच्छा तो यार ये तो अच्छा है, छोड़ो कोई नहीं। तो हम लोग चलने लगे, तो वो लड़का गिर गया था 2-3 बार गिर, तो उसकी वाइफ जो थी वो बार, मतलब अब आप अंकल समझ ही सकते कितना वाइफ का गुस्सा, फिर तो फिर आप भी नहीं संभाल सकते, तो चिल्लाने लगी, रोड पे ही चिल्लाने लगी 2-3 बार लड़का गिरा। तो जब उसका लड़का गिरता है, 3री बार जब वो गिरता है, तो वो बाप लड़के के ऊपर क्वेश्चन कर देता, क्या तुम संभल के नहीं चल पा रहे, हमेशा गिर जाते, तुम्हें संभल के चलने नहीं आता। हमने कहा अंकल
अगर वो संभल के चल रहा तो आपने पैदा क्यों किया? 6 ही साल का है, वो कहाँ से संभल के चलेगा? ओके, थैंक यू।